हेलो दोस्तों, आज हम रोचक फैक्ट्स के माध्यम से खजुराहो के इतिहास के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में छतरपुर जिले के अंतर्गत पन्ना एवं छतरपुर के मध्य में स्थित यह पर्यटक स्थल 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में बने हुए हिंदू मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। इतिहास के प्रारंभ से 9वीं शताब्दी तक, जबकि चंदेला राजवंश का उदय हुआ, यह क्षेत्र किसी विशेष राज्य का ही हिस्सा रहा, किसी स्वतंत्र राज्य की स्थिति में नहीं आ सका। 4वीं शताब्दी ईस्वी तक यह वत्स साम्राज्य का हिस्सा था। महाकाव्यों में कालिंजर एवं चित्रकूट का उल्लेख मिलता है, जो कि इसी क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। इनका उल्लेख योगियों एवं साधुओं के प्रिय क्षेत्रों के रूप में हुआ है। कालिंगर में भगवान शिव ने तपस्या की थी, ऐसा लोकमत है। विष्णु धर्मांतरा में इस देश को युद्ध देशा कहा गया है। यहाँ के आसपास वन्य प्रांत होने के कारण समुद्रगुप्त के काल में इस प्रदेश उल्लेख अनत्यादेश या वन देश के नाम से किया गया है। ईसा से 200 वर्ष पूर्व मुगल काल से ही इस क्षेत्र में शिल्पकला एवं मूर्तिकला का विकास होने लगा था। सर्वप्रथम भारत 200 शताब्दी ईस्वी पूर्व एवं बाद में गुप्तकाल से में झूमरा, खो नचना एवं देवगढ़ की शिल्पकला एवं मूर्तिकला विकसित हुई। गुप्तकाल के पश्चात प्रतिहारों में भी शिल्पकला के विकास में सहयोग दिया। 8वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने नचना में चतुर्मुख महादेव मंदिर, मनखेड़ा एवं उमरी में सूर्य मंदिर में लावा पत्थर के बहुत से छोटे छोटे मंदिर बनवाए, जो कि इनके समय में हुए शिल्पकला के विकास को दिखलाते हैं। इसी परिवेश में चंदेला राजवंश का उदय 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में हुआ एवं इन्हीं के अधीन शिल्पकला एवं मूर्तिकला अपनी पूर्णता को प्राप्त हुई। चंदेलाओं के अधीन इस प्रदेश को नाम जीजात भक्ति पड़ा। चंदेला राजाओं के संरक्षण में मध्य भारतीय संस्कृति कला, शिल्पकला एवं साहित्य सभी का संपूर्ण विकास हुआ। 10वीं से 12वीं शताब्दी तक चंदेलाओं ने इस क्षेत्र में राज्य किया एवं उनकी राज्यसभाओं में माधवा, रामानंदा, गदादच तथा जगनीक जैसे महान कवि एवं कृष्णा मिश्रा जैसे नाटककार थे। राजकुंवरों में धनगदेव एवं कीर्ति वर्मन का उल्लेख काव्य मर्मज्ञ राजाओं में आता है एवं गढ़देव तथा परमार दिन उच्च कोटि के कवि भी थे। अपने राज्य में हर ओर किले, तालाब, महल एवं मंदिरों को बनवाने में चंदेला राजाओं की विशेष रुचि रही है। महोबा, कालिंजर, जायापुरा दुर्ग में प्रमुख रूप से एवं दुधाई, चांदपुर, मदनपुर एवं देवगढ़ में गौर रूप से इन राजा कई सरोवर एवं देवालय बनवाए। सभी एक दूसरे से बढ़कर चढ़कर एवं श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर उन्नत शिल्पकला को दिखलाते हैं। महोबा प्राचीन महोत्सव नगर में प्राप्त एक शिलालेख जिसमें कीर्ति मंतक की वंशावली का उल्लेख आता है के अनुसार जीजात भक्ति का नामकरण राजा जीजा के नाम पर पड़ा था, उसी तरह जैसे कि पृथ्वीराज पृथु के नाम से पृथ्वी कहलाई। जोजा का पूरा नाम जय शक्ति था। इस साम्राज्य को चतुर्दिक सीमा पूर्व से टोंस नदी, पश्चिम में बेतवा नदी, उत्तर में यमुना एवं दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला रही है। महोबा, अजयगढ़, कालिंजर एवं खजुराहो हमेशा ही चंदेल साम्राज्य का हिस्सा रहे। पहली से 12वीं शताब्दी तक खजुराहो या खजुरवाह का जेजात भुक्ति क्षेत्र का राजधानी रहा है। किदवंती के अनुसार खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि नगर का एक प्रमुख द्वार स्वर्ण के बने हुए हैं, दो खजूर वृक्षों से सुसज्जित था। चंदबरदाई के पृथ्वीराज रासों में भी खजुराहो का उल्लेख खजूरपुरा या खजीनापुरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में खजूर के पेड़ बहुतायत से थे। खजुराहो में प्राप्त शिलालेखों में, जो कि अब प्रथम लक्ष्मण मंदिर ईस्वी 954 एवं विश्वनाथ मंदिर ईस्वी 1002 में देखने को मिलते हैं।
इसी प्रकार की जानकारियाँ लेने के लिए देखते रहें हमारा रोचक फैक्ट्स चैनल। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है।